हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स एनालिसिस टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया, इसके बाद अब सुपर 8 का राउंड चल रहा है। तो आइए बात करते हैं सुपर 8 के ग्रुप ए के मैच, जिसमें एक तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। यह मैच 23 जून को किंग्सटाउन के अर्नोसवेल ग्राउंड में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सीजन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 67% है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, यहाँ के पिच T20 बैटर्स के लिए टफ है। इसके अलावा शुरुआती सीम मोमेंट स्विंग बॉलर की मदद करेगी, पिच बैटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती। पिच खास तौर पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छी है, इससे कम स्कोर वाले विकेट में एक खास तरह का बाउंस भी हो सकती है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 60% जीतने का चांस है तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 133 है, वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 123 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का हिट टू हिट भी देखते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे अफगानिस्तान 0 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पर टीम ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीत के आ रही है और सुपर 8 में टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब यहां पे एक और जीत टीम को सेमीफाइनल पहुंचाते हैं, टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की सबसे बड़ी कंटेंडर है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि ट्रेविस हेड वार्नर, टीम को हर मैच में जबरदस्त स्टार्ट दें, वार्नर ने लास्ट गेम में 53 रन बनाए। तो वही नंबर 3 पर जो कि कप्तान मिचेल मार्श जो कि अब तक फ्लॉप दिखे हैं, वही मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस ने भी अच्छा अब तक परफॉर्मेंस किया है। लो ऑर्डर में फिनिशिंग में आपको मैथ्यू है, टीम डेविड ने बड़ा इंपैक्ट डाला, टीम 4 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही है। फास्ट बॉलर में आपको कमिंग्स एंड हेजलवुड जो टीम के फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं, वहीं कमिंग्स ने लास्ट मैच में करियर का पहला हैट्रिक लिया, वहीं मैन ऑफ द मैच भी रहे। मिचेल स्टार्क के इस पिच पे खतरनाक साबित हो सकते हैं, एडम जपन टीम के मेन स्पिनर हैं, उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 11 विकेट लिए हैं। मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल भी टीम के लिए विकेट ले रहे हैं। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, टीम डेविड है, मैथ्यू वेड है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंग्स है, एडम जंपा और जॉस हेजलवुड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि पैट कमिंग्स है, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड है। अब अगर बात कर दो दूसरी टीम यानी अफगानिस्तान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर आसिफ खान की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम ने लगातार 3 मैचों में जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई किया, लेकिन लास्ट के 2 मैच टीम को हार मिली। सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम बाहर से हार मिली, लास्ट के में टीम ने 134 पे ही ऑल आउट हो गई थी। वहीं लास्ट के में जहाँ पर हजतुल्ला जजाई को ओपनिंग में मौका मिला था, ओपनर में बात करेंगे जो कि रमनुल्ला गुरबाज ने अब तक टूर्नामेंट में 178 रन बनाए। नंबर 3 पर जो कि इब्राहिम जार्दन खेल रहे हैं, उनके पास मजबूत मिडिल ऑर्डर है और वहीं गुलबदीन नैब, नजीबुल्ला जार्दन, मोहम्मद अभी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। लो ऑर्डर में अपनी हिटिंग एबिलिटी के साथ अजमतुल्ला उमर जाए और आसिफ खान की इस बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं, जहां पर अजमतुल्ला ने लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 26 रन बनाए थे। बॉलिंग अटैक में बात करें, टीम की असली ताकत बॉलिंग है उनकी, जो उनको मैच जिता रही है। ऑस्ट्रेलिया की सतर्क रहना पड़ेगा, जहां फजल फारूकी अब तक 15 विकेट लेगा, टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर भी, वहीं पर नूर अहमद इस पिच पर खतरनाक हो सकते हैं। राशिद खान ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए, तो वहीं नवीन उनलॉक को स्लो ओवर में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ऑलराउंडर उमर जाए, मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब विकेट दिला सकते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि राशिद खान है, रमनुल्ला गुरबाज है, इब्राहिम जार्दन है, गुलबदीन नायब है, अमरतुल्ला उमर जाए है, मोहम्मद नबी है, नजीबुल्ला जार्दान, करीम जनत है, मुजीबुर रहमान है, नवीन उल हक है और फजल फारूकी। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देख लेते हैं, जो कि राशिद खान है, रमनुल्ला गुरबाज है, इब्राहिम जादरान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। तो रिसेंट टाइम में दोनों टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम की ताकत को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।